नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए 10 तारीख से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव यात्रा पर निकल चुके हैं और आपको मालूम है कि अपनी यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव नेताओं के बीच जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं और जनता से भी मुलाकात कर रहे हैं। देखिए आपको बता दें कि इसी दौरान तेजस्वी यादव मीडिया कर्मियों से भी बातचीत कर रहे हैं और आज एक बार फिर से मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है, बड़ा वादा कर दिया है, साफ साफ कह दिया है कि अगर हमारी सरकार बनी तो सबसे पहले हम ये काम करेंगे। तो आज हम इसी सियासी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपको भी जी। अरुण जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि तेजस्वी यादव यात्रा पर निकल चुके हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए अगले साल नवंबर 2025 में चुनाव होने हैं। एक तरह से हर असेंबली सेगमेंट बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं, तो ये 10 सितंबर से जो आपने अभी चर्चा की आज दूसरा दिन है जी। आज ही वो समस्तीपुर में और हर विधानसभा क्षेत्र का 2-2 दिन जिलों के प्रवास में रह करके और असेंबली सेगमेंट वाइज वहाँ राजद की स्थिति, राजद के कार्यकर्ताओं का क्या हाल है, क्या चाहते हैं, कैसे राजद वहाँ मजबूत होगा, कैसे वो सीट हम जीतेंगे, ये पूरी अपनी ज़मीन टटोल रहे हैं। साथ में यदि जहाँ सीटिंग एमएलए है उनका अपने कार्यकर्ताओं के साथ क्या व्यवहार रहता है, कितना वो पीपुल्स कनेक्ट फीडबैक ले रहे हैं, वो इसलिए भी तेजस्वी के लिए जरूरी हो गया है कि लोकसभा का जो चुनाव अभी हाल में हुआ उसमें एक तरह से मैं मानता हूं कि ये तेजस्वी के लिए, राजद के लिए बहुत उत्साहवर्धक नतीजे नहीं आए। 40 लोकसभा सीट वाले बिहार में राजद ने अगुवाई की थी और उसमें 26 सीट राजद के खाते में मिली थी, जिसमें बाद में वो 3 सीट मुकेश सहनी को वीआईपी को दे दिया, तो 23 सीट अकेले लड़ा राजद। तो 23 तो मैं 26 ही मानता हूँ, इसलिए 26 में मात्र 4 सीटों पर जीत मिली और जो नतीजे आए उसमें सबसे अधिक हैरानी की बात थी, जिसको लेकर तेजस्वी प्रसाद की चिंता थी और उसके बाद उन्होंने अपने ही आवास पर, पटना के आवास पर बैठक बुलाई थी और उसमें साफ साफ अपने विधायकों को, ऐसे विधायकों को कड़े रूप में चेताया था कि भाई आपकी कंस्टिट्यूएंसी में जब राजद की बढ़ा पिछड़ गया और वो आप जानिए कि 78 विधायक वाले राजद में मात्र 35-36 ऐसी सीटें थी जहां राजद की बढ़त थी। और तो और जो विधायक लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, पार्टी के लिए सबसे हैरानी की बात 3 जगह तो बड़ी बुरी हार हुई। वो सीट थी पूर्णिया, वो सीट थी सिवान बिल्कुल जी, और फिर बाद में रुपौली भी एक हो गया जहां उपचुनाव में, जहां की राजद के कार्यकर्ता जो ये कैंडिडेट थे वो तीसरी सीट पर चले गए। और अवध बिहारी चौधरी स्पीकर थे विधानसभा के, अपनी कंस्टिट्यूएंसी में पिछड़ गए। उसी तरह से बीमा भारती भी न सिर्फ लोकसभा चुनाव हारी, अपनी कंस्टिट्यूएंसी में भी उपचुनाव भी हार गई। और जो मैंने आपसे बताया कि उस चुनाव में 38 ऐसी कंस्टिट्यूएंसी थी असेंबली सेगमेंट में जहां नरेंद्र मोदी के कैंडिडेट के मुकाबले राजद को 10% वोट भी नहीं आया था, जबकि राजद का एमवाई है ना, मुस्लिम यादव जो आप कॉम्बिनेशन मानते हैं, हम तो के भी साथ में आ गया, यानी कि कुशवाहा अभी उस तो ये जो 32% जिसका जनाधार मानते हैं और वहाँ राजद के कैंडिडेट को 10% भी वोट नहीं आए, तो चिंता की बात है। तो तेजस्वी इसी को टटोलने, तलाशने और वह भी संवारने के लिए यूं कहे आपकी जो चुनाव आने वाले वर्ष में जो चुनाव होने हैं उसके लिए इसको आप कहते हैं चुनाव अभियान का ही श्री गणेश एक तरह से है। चुनाव अभियान का श्री गणेश कर दिया है। और अभी ये 4 एक सप्ताह की यात्रा है, 4 जिलों में जाने वाले हैं। आज समस्तीपुर के बाद फिर वो दरभंगा 2 दिन रहेंगे, फिर मधुबनी आएंगे जाएंगे और फिर वो मुजफ्फरपुर आएंगे और ये क्रम अब चुनाव तक फेज वाइज उनका दौरा, इसका नाम उन्होंने रखता है कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम। इसमें मोटा मोटी कोई पब्लिक सभा नहीं है, कहीं कोई जनसभा का आयोजन नहीं है, किसी वहाँ जहाँ ये जा रहे हैं वहाँ इतनी जो कंजिंजेंट कंस्टिट्यूंसी की समीक्षा बैठक होनी है, वहाँ के प्रखंड स्तर तक के कार्यकर्ता, पंचायत स्तर तक के कार्यकर्ता, पार्टी के पदाधिकारी, पंचायत और स्थानीय निकाय के जो उनके राजद के समर्थक पार्षद हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। लेकिन अरुण जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज तेजस्वी यादव ने जनता से बड़ा वादा कर दिया है, क्या कुछ कह रहे थे तेजस्वी? अब वो देखिए, तो जब चुनाव नजदीक है तो अभी से कुछ लोक लुभावन घोषणाएं होंगी ना, ये अभी परोसने का शुरू हो गया अभियान। एक प्रशांत किशोर ने परोसना शुरू कर दिया, कई सारी घोषणाएं उन्होंने लोक लुभावन घोषणा कर दी है। तो आज तेजस्वी ने अभी जो प्रीपेड मीटर को लेकर के, प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लेकर के पूरे बिहार में 2 करोड़ विद्युत उपभोक्ता हैं और बिहार सरकार ने बिजली में सुधार, ये बात सही है कि बिजली में आपूर्ति में सुधार हुआ है, बिजली सुलभ होने लगी है, अब 22-24 घंटा भी बिजली मिल रही है। तो सरकार ने उसको सब जगह कहा कि भाई सभी घर में, हम फेज बाई जन में है कि अगस्त 2025 तक सब घर में हम मीटर लगाएंगे। और अभी तक जो मेरी खबर है कि 30% घरों में कोई 15 लाख से अधिक मीटर लग चुके हैं। अभी समीक्षा बैठक हुई और सरकार के लिए उत्साहजनक था कि हमारा रेवेन्यू का कलेक्शन बढ़ा है। अभी इसके साथ बकाया बिजली चोरी भी घटी है। हाँ, बिजली चोरी रोकने के लिए भी रेड हो रहा है। बिजली का बकाया है काटने, 2,22,000 घरों की बिजली काटी गई है। 2,22,000 घरों की बिजली काटी गई बकाया वसूली के लिए। तो ये सब अभियान चल रहा है। इसी बीच में आज जो भी देखिए, हाँ, जनता जो बिजली प्रीपेड मीटर को लेकर के भी एक है कि बहुत तेज चलता है मीटर, एक परेशानी लोग महसूस कर रहे हैं। आज वहाँ एक तेजस्वी यादव ने कर दिया कि भाई हम तो ये प्रीपेड मीटर की भी परेशानी जो लोगों की है इसकी चर्चा की और साथ में कह दिया कि भाई 200 यूनिट तक जब हमारी सरकार बनेगी तो हम 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, मुफ्त में बिजली देंगे 200 यूनिट। देखिए, अब तो 17 महीना सरकार में थे तो बिजली के का रेट तब भी पुनरीक्षित हुआ था और ऐसे देश भर में सबसे सस्ती है बिजली उत्तराखंड छत्तीसगढ़ में और सबसे महंगी है महाराष्ट्र में। लेकिन बिहार में भी बिजली कोई सस्ती नहीं, महंगी बिजली है। और एक बात आप जान लीजिए कि सरकार कहती है अभी तो 8 रुपए पर यूनिट तक भी बिजली है, गांव में किसानों को 75 पैसे भी मिलता है। और अभी सरकार जो है अपने खजाने से बिजली कंपनियां जो है ना, बिजली बोर्ड को 15,000 करोड़ से अधिक अनुदान दे रही है। किसके लिए? उपभोक्ताओं के हित में न दे रही है। तो और कुल मिलाकर अभी जब ये बिजली की जो 2 कंपनियां हैं, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार, अब तो ये कह रही हैं कि हम लोग कुछ अब लाभ में चल रहे हैं, मतलब 100, 200, 300 करोड़ के लाभ में चल रहे हैं, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है। ये कैसा प्रॉफिट है? ये कागज का प्रॉफिट है। जब सरकार अनुदान दे रही है 16-15,000, 16,000 करोड़, तो ये प्रॉफिट क्या हो गया? प्रॉफिट कहाँ से आ गया? वही खजाना से जा रहा है कॉस्ट पर। यदि सरकार को एक पैसा अनुदान नहीं देना पड़े, देखिए 3 रुपये, 4 रुपये, 2.5 रुपये यूनिट आप बिजली खरीद रहे हैं और 7 रुपये, 8 रुपये तक बिजली बेच रहे हैं। तो ये जो कॉस्ट है, ये अभियंताओं की इतनी बड़ी फौज और ये सब कुछ, आप कहीं उसको ना कॉस्ट मिनिमाइज करना होगा। क्या सुधार आया? क्या सुधार आया? ये बड़ा प्रश्न है। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज खबर समस्तीपुर से आई अरुण जी, और खबर आई कि आज मन से तेजस्वी यादव भड़क गए अपने 2 विधायकों पर। ऐसा क्या हो गया था? कार्यकर्ताओं की शिकायत रही होगी, मुझे लगता है कि हाँ, ये हम लोग से इंटरेक्शन नहीं करते हैं, नहीं उठाते, हाँ, ये सब शिकायत की, यानी कि कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी से विधायकों की शिकायत लगा दी, जिसके बाद भड़क गए तेजस्वी यादव। ऐसे विधायकों के प्रति शुरू से ही तेजस्वी का सख्त तेवर है। वो सख्त तेवर है जो कहा है कि जो विधायक अपने क्षेत्र में पिछड़े हैं, हम टिकट काटने से भी पीछे नहीं हटेंगे, आप सुधर जाइए, 1 साल अभी टाइम है। ऐसे विधायकों को खुले तौर पर चेता दिया है। और अभी तेजस्वी जो जिलों के दौरे में है, उसमें ऐसे विधायकों पर ही ज्यादा संकट है ना। बिल्कुल, फीडबैक ले रहे हैं जनता से, कार्यकर्ता से। जनता कम कार्यकर्ता ज्यादा। अच्छा, अभी तो मुख्य रूप से कार्यकर्ताओं से मेरा पब्लिक मीटिंग तो है नहीं, पब्लिक मीटिंग है। लेकिन खबर ये भी है, जैसा कि आपने भी कह दिया कि तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों को चेता दिया है और साफ साफ कह दिया है कि टिकट काटने के लिए हम इतना सा भी नहीं सोचेंगे अगर आपका फीडबैक गलत आता है। तो कितने विधायक है रडार पर? अब देखिए, अभी तो मैंने कहा है कि 38 विधायक ऐसे है जो जो अपने क्षेत्र में 78 में यदि 38 ही जगह बढ़त मिली है तो 40 न हो गए, लेकिन कुछ कंस्टिट्यूएंसी में थोड़ा ज्यादा बुरा हाल है। तो उस तरह से 20, 21, 22 विधायक ऐसे हैं ना जो मुझे रडार पर हैं, निश्चित रूप से जो बेटिकट हो सकते हैं। इस बार राजद का कम से कम 25-30% का विधायक का तो टिकट कटना तय है। टिकट कटना तय है। वो तो देखिए, राजद में जो कार्यकर्ता जो उसके लिए सक्षम है ना, बड़ा मिलिटेंट फोर्स सब है, तो वो सब जो लड़ने वाला है। और जो सिटिंग विधायक उनकी तुलना में जिला परिषद का अध्यक्ष हो गया। कुछ हम नाम भी आपसे जानना चाहेंगे कि वो विधायक कौन कौन है जो रडार पर है, जिनका परफॉर्मेंस लोकसभा चुनाव में अच्छा नहीं था। अब तो बताया, जैसे आलोक मेहता हैं, कुमार नहीं था, कुमार सरजीत मंत्री थे, जीतनराम मांझी से उनका मुकाबला था, अब वो भी पिछड़ गए। लालू यादव का नाम आप पिछड़ गए। अवध बिहारी चौधरी की चर्चा आपने की, शाहनवाज आलम की, चंद्रहास। हाँ, तो आप कुछ तो आप भी उसको बढ़ा रही है सूची। जी बिल्कुल, हम जानना चाहेंगे आपसे भी। तो इस तरह से मैं तो आप कहा कि वो लोग सबको पता है कि किस किस क्षेत्र में वो आप वो सूची, यदि आज उस सूची को कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ये मैंने आपसे कहा कि इस बार सीटिंग गेटिंग नहीं होने जा रहा है, नहीं होने जा रहा है। और तेजस्वी को यदि चीफ मिनिस्टर बनना है, दावेदार है, तो पहले अपना घर सुधारना होगा ना। मतलब अपनी पार्टी में ही वो ताकत, एक नया जीवन, पुनर्जीवन जिसको जो कहीं फूकना होगा। अब जैसे चल रहा है तो उस तरह से चलेगा नहीं। चलिए, एक आखिरी सवाल भी है मेरा आपसे अरुण जी। हम आपसे जानना चाहेंगे कि तेजस्वी यादव यात्रा पर तो निकल गए, लेकिन आपको लगता है कि यात्रा करके कोई फायदा मिलेगा? नहीं, देखिये, तेजस्वी में भी खुद एक अपने को भी झांकना होता है। खुद तेजस्वी का भी पीपुल्स कनेक्ट या एमएलए से कनेक्ट जिस हिसाब से चाहिए ना, वो लालू जी तो बनना अभी बहुत दिल्ली दूर है तेजस्वी के लिए। लालू जी यही तो लालू प्रसाद में खूबी रही है। लालू प्रसाद आज भी सत्ता से बाहर नहीं भी रहे तो सत्ता में रहे तो जो बिहार की राजनीति की दूरी है, ये उनका पीपुल्स कनेक्ट। तो तेजस्वी तो उसी में देखिए, फिर अब जा रहे हैं, अभी मुंबई की भी यात्रा उनकी तय हो गई है, शायद 18 तारीख को हो जाएंगे। विदेश भी जा रहे हैं। तो कुल मिला जुला करके नेता यदि इस तरह से ही अवकाश में रहेगा, आईरा खुद अभी 79 विधायक, कितने विधायकों से वो मिलते हैं। तो अभी जवान हैं, अभी तो जितना अधिक लोग से, विधायक से, सांसद से जितना फ्री मिक्स और ही रहेंगे, वो है क्या। अब उनकी भी एक सलाहकार मंडली है। जी। तो जो बात आप कह रही हैं कि हाँ, यात्रा से तो देखिए, आखिर नेता विपक्ष के नेता हैं। अब वो सेशन, अभी मानसून सेशन हुआ, एक दिन भी वो सेशन में आए, 1 मिनट के लिए भी नहीं आए। तो क्या दर्शाता है, ऐसी क्या एजेंसी? थोड़ा कोई वो बेड रेस्ट बीमार थे, कहीं थे, ऐसी बात है। आपको प्राथमिकता तय करनी है। आपको कोई प्रायोरिटी भी जा रहे हैं तो आपको शेड्यूल तय करना है कि सेशन है तो हमको, इसलिए कि एक तरफ नेता मुख्यमंत्री तो दूसरा तरफ विपक्ष के नेता। अब सर, इशू का कमी थोड़े था सरकार को घेरने के लिए। अब वो नेता ही गायब रहेगा तो विधायक की दिशा और दशा क्या होगी, तो क्या होगी। मिलाकर मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव ने जो ये अभी तो कार्यकर्ता संवाद ही कार्यक्रम है। अब इसके बाद फिर अभी और भी यात्रा करनी होगी, तो पहले कार्यक्रम मैंने पार्टी को गियर अप कर रहे हैं अभी। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ बताया है अरुण पांडे जी ने, तफसील से हम लोगों ने बातचीत की है। तो फिर ये पूरी बातचीत आप लोगों को कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।